नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप हमारे साथ देख रहे हैं खास कार्यक्रम, नाम है शुद्ध देसी थर्मामीटर। अब ये आदमपुर उपचुनाव है और इस चुनाव पे सिर्फ हरियाणा की नज़र, यानी आदमपुर की नज़र, और सिर्फ हरियाणा की नज़र नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आदमपुर में होता क्या है। हालांकि इस आदमपुर पे भजन लाल परिवार का वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है, और कुलदीप विश्नोई हो, भव्य हो, रेणुका हो, ये कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार और इस परिवार का मैं हूँ। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स में जो मोहब्बत है, बे इंतहा इश्क, और इनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो दूसरी पार्टियों में, वो कहते हैं ये सब बेकार की बात है। और कुलदीप विश्नोई मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हमने कहा कि कुलदीप विश्नोई को ही थर्मामीटर लगाया जाए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के इस कार्यक्रम में कुलदीप विश्नोई जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। ये आप कहते हैं कि आदमपुर आपका परिवार और इस परिवार के आपसे जो मोहब्बत करते हैं ना, मतलब सिर्फ रेणुका जी मोहब्बत करती हैं आपसे, या कुलदीप, या आपके दूसरे बेटे आदमपुर वाले, ऐसा नहीं है? आपसे ज़्यादा मोहब्बत तो उधर कांग्रेस वाले लोग करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं, वो कहते हैं कुलदीप ऑपरचुनिस्ट हैं। सीएम नहीं बनाया भजन लाल जी को, पार्टी अलग कर ली, फिर बीएसपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर इस पार्टी, फिर उस पार्टी, फिर कांग्रेस। जिस हुडा साहब ने भजन लाल जी को हटाया, सीएम बने, उसी में जाके कुलदीप मिल गए। और कल तक जिस बीजेपी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज वहीं सरेंडर कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये प्रश्न ही उनका गलत है मेरे ऊपर। अगर कुर्बानी की मिसाल दी जाएगी हिंदुस्तान में, तो कुलदीप विश्नोई का नाम अव्वल पे होगा। उनको इस बात का पता नहीं कि मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफर हुआ, मैंने मना किया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे केंद्रीय मंत्री का ऑफर हुआ, चौधरी भजन लाल जी को गवर्नर बना रहे थे, हमने कहा कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हमारी सोच सिर्फ काम करने की है। और जहाँ तक आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन पॉलिटिक्स और गठबंधन एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी सरकार भी गठबंधन करती है, यूपीए भी करती है, गठबंधन तो सब जगह चलता है। हमारा प्रयास था, हमने बीएसपी से किया, फिर बीजेपी से किया, हमारा प्रयास था कि हम सत्ता तक पहुँचें ताकि हरियाणा का विकास हो सके, और चौधरी भजन लाल जी के अधूरे सपने थे वो सपने पूरे हो सके। तो अपॉर्चुनिस्ट और धोखे की बात तो वही कर सकता है, जो इसे बड़ी पुरानी कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। ये मतलब कांग्रेस में जाना सही फैसला था, आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो? देखिए, मैं अब अगर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन का अगर सबसे गलत फैसला था तो वो था, क्योंकि मैं वादा खिलाफी में बह गया और मुझे लगा कि भाई शायद राहुल जी अपने वादे पूरे करें और जो भजन लाल जी का सपना और लोगों का सपना पूरा कर सकूं वहां जाके, लेकिन बहुत गलत फैसला। बीजेपी गठबंधन के समय वे भी आपके साथ गठबंधन हुआ, तब बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी, आज अलग रूप है, ठीक है, वक्त वक्त की बात है। तब बीजेपी वाले लोग, मुझे अच्छे तरीके से याद है, गठबंधन करना था। सुषमा स्वराज जी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपके यहाँ आकर के चल करके आती थी, कद इतना बड़ा था, आज आपको जाना पड़ता है। उस वक्त भी आपने कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना ये गलत फैसला हो गया। नहीं, देखिए, हमारे उस वक्त मतभेद हुए थे, मनभेद नहीं हुआ था हमारा, मतभेद हमारे दूर हो गए, हम दोबारा वापस साथ आ गए। अब सीएम नहीं बनेंगे आप? मुकद्दर की बात है, कई बार एक एमएलए वाला ही बन जाता है, लेकिन आज जो मेरी मुकद्दर की लिखा होगा तो अवश्य बनेंगे, लेकिन आज मेरी प्राथमिकता पहले आदमपुर का विकास की है, उसके अलावा मेरे को और हिसार लोकसभा क्षेत्र के, कि भाई इस इलाके का विकास होना चाहिए, इलाका पिछड़ा हुआ है सारा, हमारा पहली प्राथमिकता है, वो सेकेंडरी पे चली गई है सीएम वाली बात। अभय जी से बात हो रही थी, आपके पुराने मित्र हैं, है ना, वो भी मोहब्बत करते हैं, वो भी राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज ही सुन रहे थे, दोनों एक जगह ही वोट दिया। वो कह रहे थे कि बताइए कुलदीप जी की आज हालत ये हो गई, कल तक देने वाले थे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, आज मांगने वाले हो गए, मनोहर लाल जी के यहाँ जाके, इनके यहाँ, उनके यहाँ जाकर के आदमपुर के लिए मांगना पड़ता है, ये डिफरेंस हो गया। देखिए, आदमपुर हलके के लिए अगर मुझे कितनी ज़्यादा भीख मांगनी पड़े मांगूंगा, कि मेरा परिवार है और हमारी, क्योंकि इन्होंने हमेशा 26 साल से दुख में सुख में हमारा साथ दिया,
तो इसमें कोई मैं अपने छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि चौटाला परिवार हमेशा घमंड कर ही रहा है। हमारा परिवार ऐसे माना जाता है, ये लोग ऐसे माने जाते हैं। तो आपके जो मोहब्बत कर में, तो मोहब्बत मोहब्बत में तो इश्क वाला आदमी हूँ सर, पॉलिटिक्स में भी इश्क हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि कुलदीप जी को हराने के लिए, ये तो सही बात है कि अगर आप आदमपुर आते हैं तो एक वोट है जो चौधरी भजन लाल जी के का समर्थक है, उनसे मोहब्बत करता है, एक वो है, कहीं भी ऐसा नहीं होता, घर में भी दो लोग होते हैं तो दो भाई अलग अलग होते हैं, एक है जो उनके खिलाफ है, यही वोट का समीकरण है यहाँ पर कुल मिला करके। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि अभय सिंह जी से सेटिंग हो गई है कुलदीप बिश्नोई की, और एक ऐसा कैंडिडेट लेकर के आ गया कि जो एंटी कुलदीप बिश्नोई वोट है उसका वो डिविजन करवा दें उनसे। देखिए, मैं 7 जन्म अभय चौटाला जैसे आदमी से गठबंधन नहीं कर सकता हूँ, ना नीति मिलती ना नियत मिलती है, ना वो अकल का ना वो शक्ल का। कंबल के नीचे ऊपर से ना ही सही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल अभय चौटाला के साथ सेटिंग। और हमें आदमपुर में कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। आदमपुर हल्का पिछले 54 साल से हमारे को आशीर्वाद दे रहा है। या तो कोई इलेक्शन ऐसा हो कि नया हल्का हो जहाँ पे हमें लगे कोई टक्कर है किसी बात की, तो दाएं बाएं सेटिंग करें। यहाँ तो एक तरफा सा माहौल होता है, लोग अपना चुनाव समझ के, हर वोटर अपने आप को चौधरी भजन लाल समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ में सेटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं, आप भाषण भी दे रहे हैं और लगातार आप ये कह रहे हैं कि 26 साल या पता नहीं कितने साल कह रहे हैं कि वो सूखा जो है उसे तोड़ना है। आप MLA रहे, लगातार MP भी रहे, अब आप आए, आप कह रहे हैं कि 375 करोड़ हमने इतने दिन में ला दिया, और इतने दिन में तो इतना करोड़ ला दिया, आने वाले में इतना ला देंगे। ऑपोजिशन के लोग ये पूछते हैं, मीडिया वाले आपको दिख जाएंगे हर जगह ये पूछते हैं कि वो 375 करोड़ लगा कहाँ। देखिए, एक के गांव की डिटेल हमारे पास 375 करोड़ की है, मेरे ऑफिस में कोई जाके देखना चाहे, खुला चैलेंज है। खाड़ों में 34 नई सड़कें बनवाई मैंने, खाड़ वाटर वर्क, आपका सदलपुर का पावर हाउस है, ऐसे करके अलग अलग काम, छोटे से गलियां सड़कें, छोटे से लेके बड़े काम तक मैंने 375 करोड़ में कराए हैं। लेकिन क्योंकि 26 साल का हमारा सूखापन है तो उसको हरियाली लाने में बहुत पैसा चाहिए हमें, तो 530 करोड़ रुपए तो मैंने मंजूर करवा लिए, लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत हमें काम करवाना। एक और सवाल उठता है, मैं तो वो तमाम सवाल उठा रहा हूँ जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी भव्य जो है ना, ऑपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, भव्य से मिलने के लिए लंदन जाना पड़ेगा या होलुलुलु जाना पड़ेगा, कि ये तो मतलब क्या है ये। देखिए, भव्य एक बहुत ही शिक्षित लड़का है और हर जगह टॉपर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, और हाईली एजुकेटेड है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसके खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है उनके पास, तो यही बातें बोलेंगे। बच्चे हर आदमी के, कोई गांव का शहर पढ़ने जाता है, कोई शहर वाला विदेश पढ़ने जाता है तो विदेशी नहीं हो जाता है। 29 साल की उम्र भव्य की है, 25 साल वो हिंदुस्तान में पढ़ा और उसके बाद 4 साल सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए गया है, तो विदेशी कहाँ से हो गया, ये भी कोई मुद्दा बोलने वाला, क्योंकि इसके खिलाफ साफ छवि है, कोई बोलने के लिए है नहीं, इसलिए मन धड़क बातें, वाहियात बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं जरा आपके गठबंधन पे आ जाऊँ, उसके बाद जरा इम्पोर्टेंट एक JP है जिनसे आपकी बड़ी मोहब्बत है, एक आम आदमी पार्टी आ गई है उस पर भी बात करेंगे। ये जो गठबंधन है ये कहीं दिख नहीं रहे, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई हर दिन हर जगह नजर आ रहे हैं, कभी इस गांव में सुबह से लेकर देर रात तक नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ढूंढ रहा था पिछले 2-4 दिनों से, मैं भी जो है ना आप लोगों के पीछे पीछे आदमी जासूस लगाया हुआ है, वो सोले वाला था ना रामनाथ नाई, तो जासूस लगाया हुआ है, मैं ये ढूंढ रहा था कि कोई BJP का कोई नेता वेता मिल जाए। कल बिना पानी पिए पूरे आदमपुर में घूमता रहा कि कहीं कोई छोटा बड़ा मिल जाए, परसों घूमता रहा, कहीं कोई दिख नहीं रहा है मुझे BJP वाला। और मैं जब TV पे देखता हूँ तो BJP का स्टेटमेंट, मैंने कहा कि यार ये कौन सी ऐसी जगह है आदमपुर में जहाँ मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है BJP वालों की। तो मुझे बताया सर वो 5-स्टार होटल या 3-स्टार या 4-स्टार हिसार में है, वो वहाँ आते हैं, वहीं लैंडिंग होती है, वहीं से टेक ऑफ हो जाता है, कोरम पूरा कर देते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ कुलदीप लड़ रहे हैं या BJP के नेता, मतलब मैं ये पूछ लूँ क्या, गुस्ताखी करूँ, ये BJP वाले चाहते हैं ना कि आप जीत जाएं? देखिए, दो सवाल आपके इसके अंदर हैं जी। सबसे पहला आपने रामनाथ, दोनों खतरनाक है ना, एक आपने रामनाथ नाई का मिसाल दिया CID का, तो शोले में रामनाथ नाई की CID सारी गलत थी, शोले के अंदर आपने मूवी देखी है, सारी शिकायतें गलत थी, सारी CID गलत थी, तो ये भी गलत है। और
भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों ही बड़े मन से काम कर रहे हैं और भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई का कैंडिडेट नहीं है, भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के इन लोगों का और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का संयुक्त कैंडिडेट है और सब मन से काम कर रहे हैं। तो मतलब उनके कोई बड़े नेताओं का भी होगा ये? नहीं बिल्कुल, अभी कल हमारे टूर पूरे हो, कल हमारे टूर, वैसे नेता मंत्री काफी लगे हुए हैं हमारे को आशीर्वाद देने में, विधायक भी और कार्यकारी में कई तरीके से लोग लगते हैं। नहीं हमारे वाले पॉजिटिव ही लग रहे हैं तो और कल, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि लोग कितना लगते हैं अगर गरज लगते होते तो अभी आदमपुर के हर घर घर के अंदर, आप पूरे हरियाणा में आपसे ज्यादा अनुभव तो किसी के पास नहीं है कि लोग गला लगाते हैं और कैसे पीछे से क्या कर देते हैं, ये तो आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है ना। तो इसीलिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है, तो बहुत ध्यान से हमने सब कुछ एक एक चीज को हम देख रहे हैं, हर गांव के अंदर इनके लोग लगे हुए हैं और हर घर से हमको रिपोर्ट आ जाती है कि आज यहाँ हमारे को मनाने आए, हम तो सारे ही हैं, फिर भी हमारे को बीजेपी का मनाने आया, हमको जेजेपी का मनाने आया, तो बढ़िया चल रहा है। अब तो आगे कहानी बढ़ गई ना, दूध का जला छाछ को फूंक के नहीं, उसमें आइस क्यूब डाल करके पीना चाहिए आजकल, है ना, इतना ठंडा करके पीजिए सर। ये आज से वो शुरू, आज से ये शुरू कर दूंगा, ये आइस क्यूब डाला कीजिए। ये जेजेपी वाले, पुरानी मोहब्बत है आपकी, हिसार बैटल ग्राउंड होता है, इधर से सेना आपकी, उधर डबवाली से चलती है दूसरों की। नहीं देखो, जेजेपी के स्टेट के प्रधान नॉमिनेशन पे आए थे, उनके कई विधायक भी अभी स्टेट आदमपुर में घूम के गए हैं, तो मुझे पूर्ण रिपोर्ट मिली है कि सही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा मैं एक बार आ जाता हूँ कांग्रेस पर, है ना, जिसमें आपको भी बड़ा मजा आएगा। ये मैं आपका भाषण वाचन सुनता रहता हूँ, है ना, और मेरा वाला रामनाथ नाई जो है वो शोले वाला नहीं है, है ना, मेरी भूमिका तो जय वीरू वाली है, तो मेरा वाला बड़ा स्ट्रांग है। ये आप कई बार भाषण में कहते हैं कि जेपी आ गए हैं तो ठीक है, पता नहीं आप क्या कहते हैं, कौन सी क्या किसकी कौन हलवाई का नाम लेते हैं, आपकी देनदारी है वो क्या, गोयल पंप वाला, वो क्या क्या है मसला? गोयल पंप वाले हैं, उनका लगभग 4.5 लाख रुपए 2009 में जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा था मेरे खिलाफ यहीं से ही। मतलब विद ऑल सीरियसनेस बोलिएगा ये, तो मैं वही बात कह रहा हूँ जो जो रिपोर्ट मेरे को उनके जो लोग खुद आके मुझे मिले हैं, मुझे पहले ही पता होता तो मैं जब कांग्रेस में था दिलवा देता इनके, मुझे किसी ने कहा नहीं। तो अभी चुनाव जैसे नाम शुरू हुआ लोगों, तो लोग मेरे को मिलने शुरू हुए और लोगों ने कहा कि भाई गोयल पंप वाले हैं उनके 4.5 लाख रुपया देना है। काबरेल गाँव का एक हलवाई है जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसके भी 90,000 करीब हैं। ऐसे बैणीवाल परिवार है किशनगढ़ गाँव का, उनके भी कई पैसे हैं, लाखों रुपया इनको देनदारी थी। और जब कुछ लोग पीछे पड़ गए तो उनको लोग कहते हैं कि नकली नोट दे के चला गया, नकली नोट ये लोग कहते हैं, तो मतलब आईपीसी में बड़ा जुल्म है ये। हाँ, ये लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा, पर लोग कहते हैं कि भाई नकली नोट दे के गया है। और ये कोई गांव का आदमी जो होता है, बड़े सभ्य लोग, उनको ड्रामा नहीं आता है, वो वही बोलते हैं जो दिखता है। अच्छा, तो मतलब देनदारी भी है और जो दिया वो भी नकली निकला, तो जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, अभी 13 साल पुरानी बात हो गई ना, वो नोट मुझे देते तो मैं उनको कहता भाई FIR लॉज कराइए आप, जो न्याय मिलेगा आपको। जेपी ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को टक्कर जेपी ही दे सकते हैं, 2009 में थोड़ी सी से चूक रह गई और मुझे लगता है सबसे कम विक्ट्री रही है आपकी, जो मार्जिन है वो 6,000 के आसपास, शायद वो सबसे कम आपका रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वापस आ गया है गब्बर और इस बार जो है वो 6,000 वाला कसर भी है वो पूरा कर देंगे। जो शोले में गब्बर का हुआ था वही अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं इसका हाल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश को ये सबसे कम मार्जिन की बात करते हैं, उसके मैंने जमा, उसके बाद चुनाव हुआ लोकसभा, मैंने जमानत जब्त की, पर जयप्रकाश को तो बोलना भी नहीं चाहिए। चौधरी भजनलाल जी से हारा, मेरे से हारा, अब तीसरी पीढ़ी से हारेगा, तो तीन पीढ़ियों से हारने का रिकॉर्ड होगा उसका कायम का, 6 तारीख को सामने। उनकी पार्टी के जो आजकल सबसे बड़े सूरमा हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कहते हैं कि अगर आदमपुर का विकास हुआ तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। भजन लाल जी से ज़्यादा विकास आदमपुर का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चीफ मिनिस्टर, मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में किया। देखिए अब इस बात पे अगर टीवी पे होता बहुत देर तक तो हंसी आती है, मुझे भी हंसी रोकने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने खुला चैलेंज किया कि भाई आप कहते हो मैंने विकास किया है और आदमपुर की जनता कहती है कि विनाश किया है, और उनके तो आप क्यों नहीं खुद चुनाव लड़ते,
तो विकास के नाम पे हम भी विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप भी विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। तो अगर हर आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा भेदभाव किसी सरकार में हुआ है, चाहे वो बंसीलाल जी की हो, चौटाला साहब की हो, देवीलाल जी की हो, ये तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। यहाँ तक कि हम लोग धरने प्रदर्शन करके चंडीगढ़ विधानसभा घेराव में भी गए थे कि सारा हमारा पानी SYL का या दूसरा नॉर्मल पानी आता था हमारा, वो हांसी बुटाना लिंक नहर बुनियादी रोहतक में जाना चाहिए, हमारी नौकरियां हो, विकास का पैसा हो, सारा का सारा जो हमारा शेयर था रोजगार का या और, वो सारा रोहतक में लगा दिया। तो लोगों ने लाठियां खाई है, वो कहता है मैंने विकास किए हैं, वो कहते हैं आप दलित विरोधी हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, आप छोड़ के चले आए, आपको आदमपुर की चिंता नहीं, आपको तो अपने डेवलपमेंट की चिंता। आपने सुना ही होगा, मतलब मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ, ये आपने सुना होगा कि उदय भान जी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, ये कुलदीप जी को शोभा मतलब भाया नहीं, और वो इतने दलित विरोधी हैं कि एक दलित प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो वो छोड़ के चल दिए। देखिए, अगर हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा दलित विरोधी कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अशोक तंवर को कूटा इसने, वो दलित प्रधान था कि नहीं था? हाँ, उसके बाद गर्दन तोड़ी थी। हाँ जी, गर्दन टूटी थी, उसको पीटा, दलित था वो। उसके बाद कुमारी शैलजा प्रधान बनी सोनिया जी की चॉइस पे, उनके भी खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी कोशिश करता रहा कि वो हट जाए। जब वो 3 साल 2 साल प्रधान रहीं, उनको काम नहीं करने दिया, कार्यकारिणी नहीं बनने दी। तो दलित विरोधी तो कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मेरा जो लड़ाई थी वो थी कि भाई हम हरियाणा में सत्ता तक कैसे पहुँचे और लोगों के काम कैसे करें। तो मैंने कहा एक बढ़िया मेरिट पे आदमी प्रधान बनना चाहिए। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं था, मैं व्यक्ति के खिलाफ था कि भाई उदय भान जी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पहुंचा दे। जब उदय भान प्रधान बने तो मेरे को कितने ही फोन आए कि उदय भान कित का है, जो रहने का तो होगा ना, तो ये लोगों की धारणा थी। तो फिर मैं तो दलित विरोधी कैसे हो गया। और चौधरी भजन लाल जी की सरकार में कितने दलित मंत्री थे, कितने दलित चेयरमैन थे। जब मैंने हजका बनाई तो आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, मेरा जो टिकटें बनती है 90 टिकटें विधानसभा लोकसभा, वो मंगतराम लालवास वाला दलित था, उसके सिग्नेचरें बनती थी। ही वॉज ऑथोराइज टू गिव टिकट्स फॉर हजका। तो दलित विरोधी कहाँ से हुए, मुद्दे नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ लोगों को वर्गलाना गुमराह करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक पार्टी आ गई, वो लगातार पिन पॉइंटेड एक ही नाम लेती है और वो है कुलदीप बिश्नोई। मुझे वो समीकरण समझ में भी आता है। वो ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई तो लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, हॉवर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन वही जहाँ की जिस कंस्टिट्यूंसी के भव्य कैंडिडेट हैं, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उन सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, और जो है वो भी बंद हो रहे हैं। तो बताइए ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? देखिए, पहली बात तो सरकार में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सत्ता में इसीलिए आए हैं, स्कूल तो जितने भी स्कूल आदमपुर में हैं 99% स्कूल चौधरी भजनलाल जी के मारे बनाए गए हैं। ये हर स्कूल में जाके आप देख लो, पत्थर चौधरी भजनलाल जी के नाम का मिलेगा आपको। तो ये तो इनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये चुनाव में आते हैं, चुनाव से चले जाते हैं, जिनको पता नहीं होता। दूसरा, सत्ता के अंदर हम आए हैं, पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई हमारी इच्छा है कि और एजुकेशन हब बने, जैसे भव्य ने भी अपना 7 सूत्री कार्यक्रम जो बनाया उसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। हम चाहते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्कूल है उनकी हालत और बेटर हो, कोई 8वीं का 10वीं का करें, 10वीं का 12वीं अपग्रेड करें, मतलब स्कूल और शिक्षा का लेवल है उसका स्टैंडर्ड हम सुधारें, इसीलिए तो सरकार में गए हम लोग। वो कहते हैं आजकल आम आदमी पार्टी वाला एक बड़ा कह रहे हैं कि 6 तारीख का भव्य ने पता नहीं कहाँ का टिकट पहले से ही सब लिया हुआ है, 6 की शाम में वो चले जाएंगे। सतेंद्र जो है उनका कैंडिडेट वो लोकल है, बांह पकड़ के जब चाहो काम करा लो, ये सुना ही होगा ना आपने। आम आदमी पार्टी को मैं सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि जनता भी लेती नहीं है कोई उनको। और भव्य बिश्नोई 6 को भी यहाँ दिखेगा, 7 को भी दिखेगा, सारी उम्र यहीं दिखेगा, ये लोग कहीं नहीं दिखेंगे। एक और है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले लोग, कुलदीप जी, भव्य, ये कहते हैं कि पार्टी आम है और दिया टिकट करोड़पति को। बिल्कुल जी, और ये एक शक्ल, मैंने ये उनसे पूछा कि ये आरोप है, तो वो कह रहे थे कुलदीप जी तो पूछेगा कि पिछले 24 साल में क्यों नहीं आदमपुर के हर घर में 1 करोड़पति बना दिया, ये तो ड्यूटी उनकी थी। आप इनको किसने क्या के नहीं बनाया? आदमपुर हल्के में 24,000 से के ऊपर पुराने नए आदमपुर में रोजगार हमारे परिवार ने दिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो जब रोजगार किसी का लग जाता है तो वो अरबोपति हो जाता है, और हमारे आदमपुर हल्के का हर वोटर मन से करोड़पति है। ये सिर्फ लूट खसूट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनमें कोई सरोकार नहीं। आपका टक्कर किससे?
देखिए, ये एक तरफा माहौल है। मैं समझता हूँ जमानत बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और सेकेंड और थर्ड पोजिशन लड़ रहे हैं, हमारा एक तरफा चुनाव। कितना देखते हैं आप, बेटा बाप से आगे निकल जाएगा? इससे बड़ी फकर की बात मेरे लिए क्या हो सकती, बेटा मेरे से आगे जाएगा। और आज मेरा चौथा दिन है कैंपेनिंग का। वैसे तो हम पूरा 5 साल कैंपेन करते हैं। मैं चौधरी भजन लाल जी का साधारण कार्यकर्ता से लेके उनका इलेक्शन एजेंट तक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मैंने जो आज ये माहौल में देख रहा हूँ लोगों का प्यार, आज कितना काम का पीक सीजन है, समय है इस वक्त, अब दिहाड़ी दिहाड़ी पे मजदूर नहीं मिलता अभी, और अब भीड़ देख लीजिए कितनी है यहाँ पे, हर गांव में यही पोजीशन है। तो ऐसा प्यार होता है और जुनून लोगों का कि भाई हमें वोट देना है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इससे मैं दावा कर सकता हूँ कि हम बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एक मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें 2-4 लोग कुछ वो काला झंडा वंडा दिखा रहे हैं, हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से काउंटर वीडियो भी मैंने आज देखा, वो क्या वाक्या क्या है, उसकी चर्चा बहुत बनाई जा रही है। देखिए मेरे बार मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, मैंने तो अभी आप बता रहे हैं तो मैं देखूंगा वीडियो क्या है, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं। आपकी पार्टी की तरफ से, आपके लोगों की तरफ उसका एक काउंटर भी आया कि शायद आप उस गांव में गए थे, मैंने ध्यान नहीं, विरोध भी हो रहा है क्या आपका? कहीं मेरा कहीं विरोध नहीं है, अभी तक हमारे 90% गाँव पूरे हो लिए, 6 और 5 11 गाँव बचे हैं मेरे, 6 आज और 5 कल, तो 11 गांव बचे, किसी गांव में विरोध क्या? यहाँ तो लोग फूलों की मालाएं, आशीर्वाद, फूल फेंकना, दूध, कहीं चाय, कहीं अभी चूरमा मिलेगा आपको भी खिलाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये आदमपुर के सभी लोग हैं और सबके मन में एक सवाल है, मैं तो आपको पता है आपको भी ये लोग चुनते हैं और मैं तो इनकी तरफ से वकालत करने आता हूँ, इसीलिए नीम के पत्ते लेकर के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को नीम का पत्ता खिलाऊँ, वो कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। आप इलेक्शन पे मतलब भव्य हैं, आदमपुर के 5 काम आपके जहन में जो आने वाले 2 साल में आपको लगता है ये करना चाहिए? देखिए 5 काम अगर मैं मेंशन करूंगा तो वो न्याय नहीं होगा, कामों काम बहुत करने हैं हमें। हमें जैसे खालों के काम हैं, बिजली के काम हैं, जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम लाना चाहते हैं आदमपुर के अंदर, लोगों को स्वास्थ्य की जरूरत हमारे को है कि भाई गरीब लोगों को जाना चाहता है, शिक्षा हब, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी एक और बहुत बढ़िया हम यहाँ पर बना दें, और सड़कें हैं, गलियाँ हैं, लोगों के रोज़गार हैं, तो प्राथमिकताएं बहुत हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 5 ही काम बोलूँगा तो वो एक न्याय नहीं होगा हमारे साथ, हम करना बहुत चाहते हैं, तो फोकस फिर वही हो जाएगा। किसी का काम रह गया तो उसके मन में एक टीस आ जाएगी कि मेरा काम नहीं बोला। असली पॉलिटिशियन है आप, कि ये 5 बोल करके छठा वाला कहीं नाराज ना हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर तो आपको इतना साथ देता है कुलदीप जी, और ये मैं इन तब सभी लोगों की तरफ से कह रहा हूँ, अगर कोई इलाका इतना साथ दे तो फिर आपकी भी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके को अगर सिंगापुर नहीं बना सकते हैं तो चंडीगढ़ तो बना दीजिए। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, उसी प्रयास में आए हैं और उसी प्रयास में मैं लग रहा हूँ, ताकि मैंने अलायंस किए BSP से, BJP से शामिल हुआ, तो लड़ाई मेरी वही है कि हम चंडीगढ़ नहीं पेरिस बना के दिखाएंगे आदमपुर को। मतलब होना तो ये चाहिए ना, अगर कोई इलाका इतने सुख दुख में, इतने विषम परिस्थितियों में अगर आपके साथ खड़ा होता है, इतिहास है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है। मुझे लगता है कि अगली बार जब हम आदमपुर आए तो आदमपुर बदला हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बदला है, बदला नजर आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा काम तो थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है, और ये सही बात है कि अगर कोई इलाका किसी एक नेता को इतना, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक लोग ये ना समझे कि हमारे और आपके वोट से कोई नेता बड़ा और कोई नेता छोटा होता है, तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। और नेताओं को ये बताना होगा कि हमारे और आपके वोट से ये बड़े होते हैं या ये छोटे होते हैं। आज कुलदीप विश्नोई इसलिए है कि आदमपुर ने हर हालत में उनका साथ दिया है, इसीलिए उसी तरीके से कुलदीप विश्नोई को भी रिटर्न देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात अच्छी लगे या खराब लगे, अपनी तो आदत है नीम का पत्ता खिलाना, हम तो खिलाते रहेंगे, बाद बाकी थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।